जय सियाराम, हरिओम। अरुंधति रॉय अचानक से फिर न्यूज में है, बहुत ही दवा के न्यूज में है, और उस पर UAPA के तहत मुकदमा चलेगा और वो जेल जाएगी। ये पिट पिट आया हुआ है। अरे भैया, ये मोदी है, ये कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहने देगा, दुराचार नहीं रहने देगा। अरे भैया, थोड़ा सा जो नैरेटिव है अपने एंगल से आपको सुनाने आया हूँ, आपके साथ बात करने आया हूँ। इंटरैक्शंस, आपके कमेंट्स हम मिलने चाहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। ठीक, मुद्दे पे आइए। एक खबर थी ये कि आज दूसरा या तीसरा दिन है कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैज सैंक्शनड द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑथर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय एंड डॉक्टर शेख सौकत हुसैन, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन कनेक्शन विथ ए 2010 FIR ओवर प्रोवोकेटिव स्पीचेस इन पब्लिक इन ए न्यू दिल्ली ऑडिटोरियम। 2010 में अरुंधति रॉय ने दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में कहा था कि कश्मीर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर नेवर हैज बीन ए पार्ट ऑफ इंडिया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कश्मीर क्या चाहते? आजादी। लड़ के लेंगे। आजादी। तो कश्मीर क्या चाहते? आजादी। And at that tribunal, just as I was leaving, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About five times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था ही नहीं, और वहाँ जो फंक्शन किया था इसने, उसका नाम था आज़ादी द ओनली वे। हम लड़ के लेंगे आज़ादी, मर के लेंगे आज़ादी, टुकड़े टुकड़े गैंग की ये नानी है, ये जो कन्हैया उन्हैया लाल सब है, ये सब उसी के चेले चपाटे हैं। ये जो भारत में जो कम्युनिज्म का जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे व्यवस्था किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, व्यवस्था इन्हीं की रहती है। कश्मीर में जो जिनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, और फिर जो जस्टिफिकेशन उसकी हुई, सब में यही लोग थे। ये जब LTG में हंगामा हो रहा था, हल्ला हो रहा था, तो कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बड़े दर्द की बात थी। उन लोगों ने वहाँ आके थोड़ा सा हंगामा भी किया, हल्ला भी किया, डिस्टर्बेंस भी हुई। कह रहे थे, भैया भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। यू क्यों वंदे मातरम कहेगी भाई? फिर इसने कहा था कि ये जो डिस्टर्बेंस है, इसीलिए कि उन लोगों को समझ नहीं कि मैं जो हूँ, मैं जस्टिस के लिए हूँ। वो कह रही थी कि ये जो कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ, मैं उसको भी कंडेम करती हूँ। रे पागल, जिसके लिए खड़ी हो, जो मुसलमान थे वहाँ के, जो जिहादी थे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, जो मस्जिदों से आवाज़ आ रही थी, जो घर से, हर घर से निकल के लोग आ रहे थे, चौराहे पे आ रहे थे, आग लगा रहे थे, कौन थे वो लोग? तो उसी कश्मीरी पंडित में, जो आप लोग जानते होंगे, सुशील पंडित जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही क्लियर कट आइडियोलॉजी है, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2010 में FIR लिखाया था। इनको गाय बाय बुलाता रहता है ना, जो खुश हो कल राष्ट्रवादी चैनल इनकी पूरी बात सुनता नहीं है, वो पार्ट सुनेगा जो उसे काम की होगी या जो उसका मुद्दा होगा। क्योंकि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ है, और उसका जो रिपरकशन है, जो पूरे भारत में करीब हजारों के करीब पॉकेट्स बन गए हैं, मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, वो सब बहुत ही तरीके से सुशील पंडित बताते हैं।
और उसके बाद भी जो कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर और इधर उनका जो नियर बाय क्षेत्र है और जम्मू तक भी जो फैल गया है और पूरे भारत में अब जो पत्थरबाजी होने लगी है, जो पहले कभी कश्मीर में होती है, उसका जो नैरेटिव है वो कैसे बिल्ड हुआ, वो सब बताते हैं सुशील पंडित। लेकिन 2010 की लिखाई गई FIR का 2024 में दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको संज्ञान लिया। ओ या देख लो, मजबूत सरकार है मोदी की, ये ऐसे न छोड़ने वाला। ये हिंदू सनातनियों को भ्रमित करके जिसका वोट लेते हैं ना उस पर थूकता है, लोग पंख नोच के चने का दाना फेंकता है, तो खाओ साथे लो, तुम जिंदा रहोगे तो तुम हमें वोट दोगे। बताइए, ये 10 साल तुझसे सत्ता में था ना ये मोदी, और फिर तो ये अभी तो कहा है कि मुकदमा चलेगी ना, केस चलेगा UAPA से। देशद्रोह तो है ना, कश्मीर को काटने की बात कर रही थी ना वो, अब तुमने धारा 370 भी हटा दिए हैं, अब तो नहीं कटेगा। लेकिन मोदी ने और अरुंधति राय सब अभी एक ही पेज पे हैं, ये मैं कह रहा हूं, एक ही पेज पे कैसे हैं, तो धारा 370 हटा करके मोदी ने कश्मीरियों को, सॉरी मुसलमानों को इस्लामिस्टों के हाथे सौंप दिया कश्मीर को। मोदी ने धारा 370 हटा के जिहादियों आतंकियों के हाथ में कश्मीर को सौंप दिया, क्योंकि 2024 के संसदीय चुनाव में उसने एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खड़े नहीं किए। वो जो गुपकार गैंग था, वो जो फारूक अब्दुल्ला गैंग है, और वो जो उसकी जो महबूबा मुफ्ती है, यही लोग सिर्फ खड़े हुए। और जीता इंजीनियर राशिद अली, जो जेलों में टेरर फंडिंग के केस में बंद है, वो MP बन गया भाई। यासीन मलिक और राशिद अली में कोई खास फर्क नहीं है, इन्हीं की बुआ और इन्हीं की नानी चाची काकी मामी दादी ये है, और उधमती रॉय, कोई फर्क नहीं है भाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमले करेंगे, आजादी जो गीत गात जो होता है, और जो अभी भी जो ऑल आईज ऑन राफा और जियो फलस्तीन जैसे जो नारे लगते हैं, सब इन्हीं के गैंग के हैं भाई, व्यवस्था इन्हीं की है। ये मोदी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, यानी इसको विजय कुमार सक्सेना को कह दिया, चलो ऑर्डर करो कि इस पर चलो केस चलाओ UAPA के तहत, कुछ तो खुराक दो लोगों को। अभी मैं वो G7 में लगा हुआ हूँ, अभी मेलोनी के साथ मेलोडी कर रहा हूँ, चलो अभी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कभी भी जो हिंदू इंटरेस्ट की बातें कभी करूँगा नहीं। मुझे तो भी NDA की सरकार चलानी है, नायडू के साथ चलानी है सरकार। अभी तो मुझे कब्रिस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए ज़मीनें देनी है, हज करने वालों को लाख रुपये महीने देने हैं, 300 योजनाएँ जो मैंने चलाई हैं मुसलमानों के लिए, उसको भी एक्सटेंड करना है, उसको भी मजबूत करना है, सच्चर कमीशन को मजबूत करना है। ये जो चीखेंगे ज़्यादा तो मथुरा में भी कॉरिडोर बना दूंगा और मस्जिद आलिशान बनवा दूंगा, जैसे राम मंदिर में किया मैंने, तो अभी यही सब करना है उसको। अभी गाय गंगा राम से तो इस सब पर ध्यान उसको बिल्कुल नहीं देनी है, कर ही नहीं सकता, आइडियोलॉजी उसकी ऐसी नहीं है। तो लोगों को ठगने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपने दोगला माइंडसेट को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी। और जो फेमिनिस्ट और कम्युनिस्ट और जो लिबरल सेकुलर और एंटी हिंदू सनातनी जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो अंगूठा दिखाएगी हमेशा की तरह। वो एक सिस्ता से तलवार थी, याद है ना आप लोगों को, वो उसको गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट में आना पड़ेगा तेरे को, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि भैया मैं कोर्ट में क्यों जाऊं। और वो लोग नाच गाना देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेज लोग, अपने CGI जो है, अपना कूड़ा जो है चंद्रपूरा, वहीं से ऑर्डर कर दिया 2 बेंच जज जाओ इसको, चलो ख़त्म करो काम को। लेकिन ऑर्डर देना भूल गया, उसने सुन लिया, सुन लो ऐसा कहा था, तो वो स्प्लिट जजमेंट हो गया कि 2000 वो सिस्ता से तलवार वो गुजरात हाईकोर्ट में प्रेजेंस हो या नहीं हो, उसके लिए स्प्लिट जजमेंट हो गया। अरे भैया, उसी रात में 3 बेंच जज बना दिया। क्या थूकते हैं न्यायिक व्यवस्था पे, वो लोग कुर्सी पे बैठ के 3 बेंच जमा दिया, तो तब तो ऑर्डर भी हो गया और उसको कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा। सिस्ता से तलवार कहाँ है पता है, जेल हुई उसको। अरे भैया, उसी के गैंग की है ये अरुंधति रॉय, थूकेगी मुंह पे डायरेक्ट।
कुछ नहीं होना इसका, एक मिनट में वो कह दे सुप्रीम कोर्ट की 14 साल से सोए हुए थे क्या? अभी जो एक मणिपुर का केस है तो मणिपुर को तो हम चर्चा करते हैं कि वहाँ की मणिपुरी महिला हिंदुओं का नरसंहार हो गया, कैंप में जा रहे हैं उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार बलात्कार क्या कहाँ, और आजकल तो टॉप पे चल रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं वो मणिपुर की जो कुकी स्त्रियों को जो एक नंगा परेड किया गया था, जो सबसे अब तक का सबसे हॉरिबल घटना थी, उसको वहीं पे इनकाउंटर हो जाना चाहिए था जो भी किया था ऐसा, उस केस को 3 महीने तक दबा के रखा भाई। वो जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, नए संसद का, तब मोदी को हिंदू चेहरा समझ के उसको डाउनग्रेड करने के लिए उस खबर को लेके आए थे, और उसको लेकर के ये जो अरुंधति राय है गाली दे रही है मोदी को। Women are being raped, paraded naked. Muslims are having cross marks put on their door. They are fleeing. And he's tweeting, I had appam last night for dinner. तो ये अरुंधति राय जो है वो मुसलमानों की बात करेगी, दलितों की बात करेगी, माइनॉरिटी की बात करेगी, देश को बांटने की बात करेगी, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये मोदी के साथ एक ही पेज पे एक ही स्लेट पे लिखे गए शब्द हैं, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग है। ये कश्मीर को अलग से बांट के अलग से चाहती है एक सॉवरन स्टेट बनाना, और मोदी जो है उसको भारतीय तिरंगा के नीचे रख के उसको अलग स्टेटस दे दिया, इस्लामियों के हाथ में कर दिया, ये बेसिक फर्क है। अभी इनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सुधीर पंडित जी को, जो इनके साथ जो मतलब जो जिनोसाइड हुआ है, जो जिसके वो सर्वाइवर हैं और जिन्होंने FIR लिखाया था, उन्हें लगता है कि कुछ तो हुआ, ये कुछ तो हुआ ऐसा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए, साथ रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इन नैरेटिव्स पे कैरी आउट मत होइए। क्या मतलब वो मैंने अब हमें बोलना बहुत जरूरी था, ये बताना बहुत जरूरी था कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये बस 100% पॉलिटिकल ये नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है मोदी को स्ट्रांग नेता दिखाने के लिए। कुछ कुछ ये लोग करते रहेंगे, है ना, क्योंकि इनके दम में तो है नहीं, इनके बम में वो दम तो है नहीं कि कह दें कि आज से भारत में गौहत्या नहीं होगी, नहीं कर सकते। बक बोर्ड हमने हटा लिया, नहीं कर सकते। सच्चर कमीशन हटा लिया, नहीं कर सकते। प्लेसेज वर्शिप एक्ट हटा ली, नहीं कर सकते। आज से हिंदुओं को अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए गुरुकुल खोलने की पूरी आज़ादी मिल गई, नहीं कर सकते। ऐसे ही चूतिया पे करते रहे, दुगली बातें करते रहे, आपको ठगते रहेंगे, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, हरिओम। ज्ञानं चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे।